लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। बुधवार यानी आज गृह मंत्री अमित शाह और रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किए। शाहपुर कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई। बता दें कि चुनावी ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर में यह पहली रैली रही। वहीं सभा स्थल पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। शाह ने यहां मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ करना है। उन्होंने कहा सपा के चीनी मिले बंद कराई जो कि भाजपा ने चलवाई। सपा ने गन्ने के दाम बढ़ाए, बसपा ने 19, सपा ने 10 बंद कराई, जबकि बीजेपी ने मिले शुरू कराई। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर हमारा है। जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने धारा 370 हटा दी और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के आतंकवाद को खत्म किया और उसे करने का भी काम किया। उन्होंने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था, मैं यहाँ आया था केराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है।